हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये है क्यू एन ए वीडियो। हम दोनों आर्टिस्ट इस वीडियो में क्यू एन ए करेंगे। और अब मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि आप क्यू एन ए क्वेश्चंस भेज सकते हो, तो उसमें दोनों की फोटो डाली थी। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जिसके हम दोनों आंसर देंगे। ऐसा हम दोनों आपको आंसर देंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चंस चूज किए जिसके हम दोनों आंसर कर सकें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जोय देवदत्ता का, आपने यूट्यूब की जर्नी कब और कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले आप ही बताओ। सबसे पहले मैं बताऊं तो मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट तो वैसे कर दी थी 2016 में सितंबर या अक्टूबर के आसपास। तब मैंने चैनल बनाया था पहली बार, तो उस पर तब मैं फ़ोन से ही सिंपल वीडियोस डालता था। लेकिन वो बाद में कुछ मंथ्स के बाद वो चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, यूट्यूब से कुछ मेल आया था कि वो चैनल पर वीडियोस नहीं अपलोड हो पाएंगी। तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया मई 2017 में। जो मेरा चैनल है वो मई 2017 में स्टार्ट हुआ था। सौरभ, आपने बस ऐसे हुआ था? हाँ, मतलब कैसे स्टार्ट, इंस्पिरेशन कैसे मिली अगर वो भी बताना है तो। पहले मैं कुछ, मतलब एक तो लोग मुझे काफ़ी ऑलरेडी बोलते रहते थे फेसबुक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की यूट्यूब स्टार्ट करो, बट वो तो चलो था ही। लेकिन फिर मैंने फाइनली जब सोचा तो वो तब सोचा जब मैं कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स की वीडियोस वगैरह जब मैंने देखी, जैसे हैदर उनी वगैरह, उनके टाइमलेस वीडियोस, स्केचिंग वीडियोस, टाइमलेस की वीडियोस जब मैं देखने लगा, मैंने यूट्यूब पर देखी पॉपुलर बाहर के आर्टिस्ट की, तब मैंने सोचा चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैंने स्टार्ट की थी 2017 में, जब मेरा जेई और नाटक का मेरा जब एग्ज़ाम में मेरा नहीं हुआ था। 17 में? हाँ, 17 में स्टार्ट किया था मैंने। और मेरे को मेरे भाई ने बोला था, शुभम जोशी ने, मैंने पहले भी वीडियो में बोला, मैं ऐसी स्केचेस बनाता, मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मैं यूट्यूब देखता भी नहीं था। तो उसने बोला कि यूट्यूब पे डालो, काफ़ी वायरल होंगी, काफ़ी अच्छी लगेंगी सबको। तो मैंने पहली वीडियो डाली, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, उसके बाद मैं डालता गया। इसी तरह से मेरी तो जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने किसी भी आर्टिस्ट को नहीं देखा कि वो वीडियो बना रहे, उसके बाद मैंने इन्हीं का चैनल देखा था, फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी, फिर मैंने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही स्टार्ट किया था। मेरे स्टार्ट करने कुछ मंथ्स के बाद ही स्टार्ट किया होगा। हाँ, मई 2017 में स्टार्ट किया था। फिर मैंने इन्हीं का चैनल आया तो मैंने चैनल देखा, वीडियोस किस तरह से बना रहे, तो मैंने वैसे ही बनानी स्टार्ट की धीरे धीरे करके। तो फिर अब आप देख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, अब तो बढ़िया चल रहा है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रास का, हाउ टू सेट प्राइस ऑफ कमीशन आर्टवर्क ब्रो प्लीज। मेरे ओपिनियन में आई थिंक ये आपके खुद पे ही डिपेंड करता है। हर किसी की अलग स्किल्स हो सकती है, अलग आपने, मतलब अभी आपको एक्सपीरियंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। आपको खुद अपने उस पर जज करना है, अपने स्केचिंग पे जनरली ऑनेस्टली आपको जज करना है कि आपको कितना प्राइस सेट करना चाहिए। ये नहीं आपको देखना कि अगर कोई और 1000 चार्ज कर रहा तो मैं भी सीधे 1000 से स्टार्ट कर दूं, ऐसा नहीं करना है। जैसे आपकी स्किल्स है, क्या पता 2000-3000 के आसपास भी आपकी स्किल्स हो स्टार्टिंग में ही, तो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। आपको देखना कि आप एक स्केच कितने टाइम में तैयार कर सकते हो और आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, कितना रियलिस्टिक बना सकते हो, उस हिसाब से आप चार्ज सेट करो जो आपको जेन्युइन लगे। मेन चार्जेस तो ना टाइम के ही होते हैं, मतलब काफ़ी लोग स्केचेस दिखाते हैं कि इसके हम कितने चार्ज करें, ये हमने बनाया इसके कितने, तो आप किसी और से मत पूछो, अपना देखो कि आपने कितना उस पर टाइम लगाया है, कितना वर्थ है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। जैसे, तो आपके जैसे कोई कोई दो आवर्स में बना लेता है एक स्केच, और कोई कोई होता है वो दो दिन लगा देता है, 10-15 घंटे लगा देता है, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज करेगा जिसका जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है उस पर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघना का, एट वट एज यू स्टार्टेड ड्राइंग। तो अगर बेसिक ड्राइंग की बात करें तो मैंने तो वो 3-4 साल की एज में स्टार्ट कर दी थी। जैसे बचपन में सब हार्ट ट्री वगैरह बनाते हैं, तो वो सब तो मैंने 3-4 साल की एज में स्टार्ट कर दिया था। और अगर पर्टिकुलर पेंसिल स्केचिंग की बात करें, वो मैंने स्टार्ट कर दी थी जब मैं 9-10 ईयर्स का था, तब मैंने पहला पेंसिल पोर्ट्रेट स्केच बनाया था। हाँ, बहुत मैंने कल देखे कलम रात को दो बजे तक बैठे रहे, मतलब स्केचेस देखते रहे, स्केचेस दिखा रहा था, बातें करते रहे यूट्यूब के बारे में। मतलब मैंने देखे 2007 और 8 के भी स्केचेज है। 2007 कितने साल पुरानी बात होगी, 12 साल पुरानी। और मैंने स्टार्ट की थी, मतलब सीरियसली जो बेसिक वगैरह, जो मतलब लाइट डार्क वाला, वैसे नॉर्मल कार्टून वगैरह बनाता था, लेकिन जो पोर्ट्रेट वगैरह हैं लाइट डार्क वो नहीं बनाता था, वो मैंने स्टार्ट किया था 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्था आर्ट का, आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है? तो मेरे तो अगर सही में ऑनेस्टली बोलूँ तो दोनों मम्मी पापा इक्वल सपोर्ट करते मेरे को। क्वेश्चन आई थिंक आर्ट के सपोर्ट के बारे में आप पूछ रहे हो, तो बचपन से अगर मैं बचपन का बताऊँ तो मम्मा ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था बचपन से आर्ट में। काफ़ी बचपन में मेरे को, जब मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने 3-4 साल के में ड्राइंग स्टार्ट करते, तो मम्मा ही मेरे को सिखाते थे बचपन में हटरीज वगैरह ये सब बनाना, वो वही स्टार्ट उन्होंने ही करवाया था मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप कराना। फिर पापा भी मेरे पहले स्केचिंग करते थे, तो उनके स्केचेज जब मैंने देखे तो तब मैंने फिर पेंसिल स्केचिंग स्टार्ट की। तो मेरा इक्वली दोनों का रहा है, और अब आर्ट जर्नी में भी दोनों सपोर्ट करते हैं इक्वली, बिल्कुल इक्वली सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा। हाँ, मेरा भी सेम सीन है, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, पता नहीं, एक काफ़ी बढ़िया वाला ट्रस्ट करते हैं, चाहे कुछ भी मैं कहूँ तो काफ़ी बढ़िया सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, चाहे
मतलब ओनली आर्ट की बात नहीं है, उनको लगता है कि ये जो कर रहा है बस सही कर रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी होती है वैसे। अगर मतलब ट्रस्ट होना चाहिए करते हैं तो आप भी, लेकिन उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा शर्मा का, विच जॉब आर यू डूइंग। तो ये भी काफ़ी सिंपल सी बात है, जैसे आपको पता ही है, नहीं भी पता तो सामने दिख ही रहा कि हम आर्ट का ही काम करें सब कुछ, यही हमारी जॉब है। हम किसी कंपनी के कोई एम्प्लॉयज अभी हम हैं नहीं, तो हम अपना ही काम करें, हाँ बनना ही नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिस्ट कह लो आप हमें। जो भी हमारा काम है, जैसे हम कमीशन वर्क्स कर रहे हैं उससे अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उससे थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, वर्कशॉप्स करते हैं कभी कभी, तो यही सब हमारा काम है, यही हमारी जॉब है, यही हमारा पैशन है, यही करियर है, सब कुछ यही है। हाँ बस यही है। मैं तो अभी मैंने तो इसी ईयर BFA में भी एडमिशन लिया है, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ और यूट्यूब भी, व्लॉग्स भी, कमीशन भी, तो बस यही है फिलहाल तो जॉब मेरी। मज़ा आता है, लेकिन जो भी है मज़ा आता है। हाँ, आर्टिस्ट अपने इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम काम ऐसी देखो, जैसे अभी हम दिल्ली आए हुए हैं इवेंट कॉमिक कॉन के लिए और वर्कशॉप्स के लिए आते रहते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि ऐसे हम कोई मेहनत करें या काम करें, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमारा पैशन यही है, तो पता ही नहीं चलता कि हम कुछ काम कर रहे हैं, वो लगता है हम इंजॉय कर रहे हैं। हाँ तो मज़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिलेश का, स्केचिंग सीखने में कितना टाइम लगता है। ये चीज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, और स्केचिंग सीख कोई कोई तो 1 साल में ट्रेंड हो जाते हैं, कोई कोई 6 महीने में ट्रेंड, और किसी किसी को 3-4 साल लग जाते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि आप कितना डेडिकेटेड होके कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, कितना रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप कितनी ज़्यादा उसमें एफर्ट डालते हो, कितनी डेडिकेशन के साथ करते हो। हाँ जैसे कि बोला, तो मेन चीज़ है आपके ऊपर कि आपके अंदर कितना पैशन है, आपको कितना सीखना है। कई लोग तो पूरा कॉलेज कर लेते हैं पूरे 4-4 साल का, फिर भी उनको तब भी नहीं सीख पाते, और कई लोग मतलब घर पे बैठे कहीं बिना सीखे भी सीख लेते हैं। हाँ, जैसे हम लोगों को भी कैसे फाइन आर्ट्स कॉलेज तक के स्टूडेंट्स भी हमें पूछे होते हैं कि ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे करनी है, मतलब जो फाइन आर्ट्स के कॉलेज में जाके भी अगर आप कोई सीख नहीं पा रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं कि अगर एक इंसान ने 1 साल में सीख लिया तो सब सीख जाएंगे, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। हाँ, कई लोग उस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं एक ही बारी में, कई लोग उसको कम से कम 4-5 बार समझते हैं तब उनके माइंड में बैठता है, तो ये चीज़ फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इतना टाइम लगेगा उस चीज़ को आप, लेकिन हाँ तरीके होते हैं, अगर तरीके आपको अच्छे से बताए जाएं तो जो जो काम आप मतलब 4 साल में कर सकते हैं, वो आप एक साल में भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज ना जाएं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाएं आप, जो कि अगर वहां पे आप 6 महीने या फिर 1 साल की कोचिंग लें, तो वहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो ओनली आपको अच्छे से गाइड करेंगे, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। जैसे सौरभ की एग्जांपल देख, जैसे इसने बताया कि मैं इसने पहला पोर्ट्रेट स्केच ही 2015 में बनाया था, तो अब देख लो अभी 2-3-4 साल ही हुए हैं, तो कितनी इंप्रूवमेंट आ गई है, तो कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, तो वैसे ही है, और प्रैक्टिस करते रहो तो ऑब्वियसली आपकी इंप्रूवमेंट जल्दी होगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, काम करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छः महीने में अचानक से आपको 2-3 दिन आपने प्रैक्टिस की फिर छोड़ दी, फिर 3-4 महीने बाद, वैसे नहीं करना है, जो ज़्यादा कंसिस्टेंसी से करेगा वो जल्दी इंप्रूव करेगा। काम करना इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर आर्टिस्टो का, सौरभ एंड शुभम इतने कूल क्यों हो। इसका आंसर कूल है, कूल है हम, इसका आंसर क्यों है, ठंड हो रही है इसलिए कूल है। इसका क्या बताया हम इतने कूल क्यों, बस है ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुश का, व्हाट आर योर अदर हॉबीज़ अपार्ट फ्रॉम स्केचिंग। अच्छा, तो हॉबीज़ इंटरेस्ट कह लो, मेरे को जिम जाना पसंद है, फिटनेस में थोड़ा, मतलब ये नहीं पर्टिकुलर बॉडी बिल्डिंग इतना पैशनेट नहीं, बट फिटनेस के लिए जिम जाना पसंद है, और बाकी फ्री टाइम में ऐसे बाइक वाइक पे घूमना, स्कूटी पे घूमना, ये सब पसंद है, और थोड़ा बहुत कभी कभी टीवी देख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मेरा तो आपको पता ही है, वीडियो बनाना और व्लॉग बनाना, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे व्लॉग बनाना और फ़ोटोज़ खींचना, फ़ोटो शूट्स करना, कभी मैं घर में भाई की खींचते रहता हूँ, बहन की खींचते रहता हूँ, और नेचर की फ़ोटोज़ खींचते रहता हूँ, और व्लॉग बनाना, मतलब खाली टाइम हो तो मैं तो वीडियो बनाता हूँ बस, चाहे फैमिली के साथ भी कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने में मज़ा आता है, व्लॉग बनाने में मज़ा आता है, मेन तो मेरी यही हो, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RS आर्ट गैलरी का, सर आर्टिस्ट के लिए BFA डिग्री नेसेसरी है क्या। तो अगर पहले मैं बताता हूँ आपको, अगर आप 12th में हो या फिर उससे नीचे क्लासेस में हो तो आप डेफिनेटली जाओ, बिकॉज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, आपको काफ़ी हिस्ट्री के बारे में चलेगा पता, और अच्छे से आपको ट्रेन करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप कुछ और करते हो, कोई और अगर आप कोर्स करते हो, मतलब साइंस वगैरह में हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स, कोई और साइड बाई साइड अपनी प्रैक्टिस के साथ भी सीख सकते हो, तो आप सीख सकते हो, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं और कोचिंग ले सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले सकते हो, अदरवाइज आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो,
कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है। जैसे मैंने भी तो BFA नहीं किया, बट काफ़ी चीज़ें मेरे को पता ही है। ये नहीं मैं कह रहा कि सब कुछ पता है, बट काफ़ी चीज़ें खुद ही प्रैक्टिस कर करके पता चल जाती हैं। जैसे आप मटेरियल्स ले लो, आप एक्रेलिक कलर्स ले लो, वाटर कलर्स ले लो, पेंसिल्स ले लो, और साथ में एक्सपेरिमेंट करते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर से गाइडेंस आपको मिल ही जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया किसी से भी गाइडेंस मिल सकती है। जैसे आप यूट्यूब पर अभी इस चैनल देख रहे हो तो यूट्यूब पर आपको हेल्प मिल जाती है। तो वैसे ही बस मटेरियल्स ले लो, एक्रेलिक कलर, अलग डिफरेंट मटेरियल जो भी आपको पसंद है, और प्रैक्टिस करते रहो तो सीख जाओगे काफ़ी कुछ। लेकिन अगर है किसी को इंटरेस्ट कि उसको प्रोफेशनल कोर्स करना ही करना है, तो फिर वो ले सकता है एडमिशन। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सपीरियंस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम करोगे, जैसे ग्रेफाइट में काम करोगे, सबसे पहले सबसे इजी मीडियम होता है तो ग्रेफाइट में काम करोगे, उसके बाद चारकोल में काम करोगे, मतलब आपको एक्सपीरियंस होगा कि उसमें काम करने से कैसा होता है। हाँ, उससे ही आप सीखोगे। अदरवाइज आप चाहे कहीं भी चले जाओ, कितना ही किसी से कुछ सीख लो, तब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद काम नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। तो सबसे मेन चीज़ आर्ट में कि आपको काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकीज आर्ट का, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक ए स्केच? तो ये चीज़ तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, ये तो फोटो पे डिपेंड करती है और स्केच के साइज़ पे डिपेंड करती है। तो इस चीज़ पे मैटर करता है। जैसे अगर कोई हम जो रेफरेंस फोटोज देख के बना रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है। और स्केच के साइज़ पे डिपेंड करती है, अगर A4 साइज़ का तो उस पर कंपेरेटिवली A3 से कम टाइम लगेगा। तो ये चीज़ है, और वो कोई फिक्स नहीं रहता कि किस स्केच में कितना टाइम लगता है। हाँ, ये आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो आर्टिस्ट ने कितनी प्रैक्टिस किया है, कितना वो ऑब्जर्व कर सकता है फोटो को। कई जो बिगिनर्स होंगे वो बिल्कुल भी उनको पता नहीं होगा कि फोटो को ऑब्जर्व किस तरह से करना है। हाँ, वो जल्दी जल्दी बना देंगे, वो आधे घंटे में कंप्लीट बना देंगे, 10 मिनट में बना देंगे। हाँ, बट जो एक आर्टिस्ट होगा वो फोटो उसको बिल्कुल रियलिस्टिक बना, पहले ऑब्जर्व करेगा, पहले वो फोटो को ऑब्जर्व करेगा अच्छे से, लाइट डार्क देखेगा, कहाँ पे डिटेलिंग से, कहाँ पे लाइट से, वो उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेगा। तो ये आई थिंक आर्टिस्ट ये भी प्रैक्टिस के साथ ही। जैसे हाँ, अगर हम अपनी बात करें, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं कि सपोज एक फोटो जो मैंने पहले आज से 4 साल पहले बनाई थी, और अगर मैं उसको दोबारा अब बनाऊंगा ना, तो ऑब्वियसली उसमें अब ज़्यादा डिटेलिंग होगी, ज़्यादा शेडिंग होगी, ज़्यादा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी भी होगी। हाँ, तो ये चीज़ टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप आपको समझ आ जाएगी कि ऑब्जर्व करना आ जाएगा स्केचेस को, तो उसी हिसाब से टाइम लगता है स्केच में। हाँ, तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जितना आप ऑब्जर्व करोगे ना फोटो को, टाइम उतना कम है, जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे उतना बढ़िया बनेगा, और कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है। चाहे आप 10 घंटे दो, चाहे आप 100 घंटे दो। कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं वो 40-50 घंटे एक स्केच को लगाते हैं, लगाते और कुछ ऐसे होते हैं वो 1 घंटे में लगाते हैं। तो वो पर्टिकुलरली आप पे ही डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि फोटो पे, और ऐसा नहीं है कि जो 10 मिनट में बनाया है वो स्केच नहीं है, और जो 10 घंटे बनाया वो स्केच नहीं है। स्केच दोनों ही है, बट डिटेलिंग का फर्क पड़ता है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, स्टाइल होता है। 10 मिनट में बनने वाला भी स्केच ही होता है, और 10 घंटे बनने वाला भी स्केच ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी का, बेस्ट वे टू स्टार्ट एन आर्ट बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम और YouTube एटसेट्रा? आजकल तो अगर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊँ तो Instagram काफ़ी अच्छा है आर्टिस्ट के लिए। Instagram बहुत बेस्ट मीडियम है, उस पर आप अपना पब्लिक अकाउंट बनाओ एक आर्ट के लिए, और उस पर फोटोज़ पोस्ट करो रोज़ की। आपको ऐसा नहीं करना कि 10 फोटो पोस्ट कर दी नए अकाउंट में, रोज़ की कम से कम 1-2 फोटोज़ पोस्ट करो, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2। तो स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ मैं 2, फिर बाद में 1 फोटो पे आ जाओ। तो ऐसा करते रहो और आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। यूट्यूब पे अगर आना है तो तब आओ जब आपकी स्किल्स वगैरह काफ़ी ऑलरेडी इंप्रूव हो गई है। ये नहीं कि अगर आपने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो यूट्यूब चैनल बना दिया, वो नहीं करना, उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसे कि बोला प्रैक्टिस पे ध्यान दो, और पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे पोस्ट काफ़ी सुंदर सुंदर करो, जो भी बनाते हो उसको अच्छे से फोटो क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे अपलोड करो। इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपका ग्रो हो जाएगा। हाँ, और ये चीज़ ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बोली कि फोटो आपकी साफ, अच्छे से फोटो, साफ का मतलब ये नहीं कि DSLR से फोटो खींचनी है, फ़ोन से भी फोटो खींचो, लेकिन अच्छे से फोटो, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में, नॉर्मल, मतलब पूरा अच्छा आपका आर्टवर्क जैसा बनाया वैसा दिख रहा होना चाहिए फोटो में। तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है, अच्छे से फोटो लगनी चाहिए इंस्टाग्राम पे, और पोस्ट करो 1-2 फोटोज दिन की काफ़ी है, तो वो पोस्ट करो, 1-2 हैशटैग्स लगा दो, और बाकी, और हाँ, हैशटैग्स की बात अगर ये करें इंस्टाग्राम पे, जैसे हैशटैग्स आपको पता यूज़ करते हैं, तो रैंडमली ऐसे उल्टे सीधे हैशटैग यूज़ नहीं करने हैं, अपने स्केच के रिलेटेड ही पोस्ट करना। हाँ, सबसे मेन चीज़ हाँ है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम तो बेस्ट है गाइस आर्टिस्ट के लिए। इंस्टाग्राम मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, मैं ट्विटर पे भी नहीं करता, फेसबुक पे भी नहीं करता, कहीं नहीं करता। आर्टिस्ट के लिए ट्विटर वैसे जगह भी नहीं है, तो आर्ट पेजेस के लिए जैसे क्वेश्चन है, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी बेस्ट है। इंस्टाग्राम मेनली फोटोज के लिए, और जिसको सिर्फ वीडियोज बनानी है वो यूट्यूब। हाँ, वीडियो भी बना सकते हो अगर आप अच्छे से रियलिस्टिक बना सकते हो, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का, विच कैमरा डू यू यूज? तो मैं तो फ़ोन से ज़्यादातर वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, Redmi Note 5 Pro से, और वैसे कैमरा मेरे पास एक डिजिटल कैमरा है और एक हैंडी कैम है, बट वो मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ। मैं मैक्सिमम टाइम लैप्स वीडियोस वगैरह अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ, लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ तो वो फ़ोन से ही करता हूँ। तो DSLR तो अभी मेरे पास है नहीं, बस यही है, फ़ोन से ही करता हूँ मैक्सिमम रिकॉर्डिंग, और एक डिजिटल कैमरा है तो कभी कभी पहले उससे करता था, आजकल फ़ोन से ही करता हूँ। तो मेरे पास 2 कैमरे हैं, एक तो ये जो जिससे भी वीडियो बन रही है, कैनन का 200D,
और जिसमें मैं वाइड एंगल लेंस यूज़ करता हूँ जो कि अभी लगा रखा है, और एक है मेरे पास गोप्रो हीरो 7 जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी आपको दिखाया था। तो मेरे पास दो ही कैमरा है जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ और बस यही है। फोन से नहीं बनाता आजकल? नहीं, फ़ोन से अब नहीं बनाता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस शर्मा का, हाउ ओल्ड आर यू? I am 24। आई एम 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनवीर अंसारी का, आपको किस चैनल की वीडियो बनाने में मज़ा आता है, व्लॉग या आर्ट? अच्छा, तो वीडियोस मज़ा तो दोनों में आता है, व्लॉग्स भी, तभी चैनल स्टार्ट किया क्योंकि मज़ा आता है। अगर ज़्यादा फिर भी बताना है कि थोड़ा सा ज़्यादा अगर डिफरेंस है तो मेरे को आर्ट वीडियोस बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू व्लॉग्स। मेरे को मज़ा आता है जब दोनों मिक्स बनाता हूँ ना मैं, जैसे उसमें मैं आर्ट भी दिखाता हूँ कि ये बना रहा हूँ हाँ और वो तो साथ है में ही। व्लॉग भी, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, इंटरेक्टिव सा लगता है कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ क्या। तो बट जो टाइम लैप्स वीडियो है एकदम से अपलोड करता हूँ तो वो उसमें आजकल थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, बट व्लॉग में ज़्यादा मज़ा आता है, साथ में मैं आपको ड्राइंग भी बनाऊँ और व्लॉग भी बनाऊँ तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे को आर्ट चैनल पे आज सबसे ज़्यादा मज़ा आजकल लाइव स्ट्रीम कर रहा है, टाइम लैप्स का आजकल मुझे भी नहीं आ रहा। टाइम लैप्स अब ज़्यादा मतलब पुराना हो गया, वो काम काफ़ी ज़्यादा कर दिया, तो आजकल मेरे को लाइव स्ट्रीम मैंने स्टार्ट किया, तो लाइव स्ट्रीम का ज़्यादा मज़ा आ रहा है आजकल मेरे को आर्ट चैनल पे। आर्ट की वीडियोज़ की लाइव स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हाँ गाइज, बस इतने ही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सेलेक्ट किए थे इंस्टाग्राम से। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं करते तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ के हाँ, क्यू आपसे एन ए वगैरह क्यू एन ए क्वेश्चंस लेते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। हाँ, और इसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा इनके चैनल पे, हाँ, शुभम दोगड़ा, आर्टिस्ट शुभम दोगड़ा चैनल पे, तो वो भी आप देख लेना। मैंने भी सेम स्टोरी डाली थी, हमने सेम टाइम पे स्टोरी डाली थी क्यू एन ए के लिए, तो अब मेरे वाले स्टोरी पे जो क्वेश्चंस आए थे वो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे हम दोनों ही आंसर करेंगे जैसे इस वीडियो में किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह से और हम क्लब कोलैब वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय।